संगम नगरी प्रयागराज में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों ने अलग अलग अंदाज में तैयारियां की हैं। तो वहीं संगम तट पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने अनोखे अंदाज में नव वर्ष 2023 का स्वागत किया है। त्रिवेणी के संगम तट पर रेत से हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिखकर छात्रों ने नए साल का स्वागत किया है। साथ ही त्रिवेणी के संगम तट से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नया साल लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। आज हम लोगों ने नए साल पर साइन आर्ट किया है, जो कि 0.7 का जो ओमिक्रोन का एक नया संक्रमण है वो भी हम लोगों ने बनाया है। नए साल का आगमन, हम लोगों ने एक सोशल अवेयरनेस भी इस पे दिया है अपने साइन आर्ट के माध्यम से कि लोग बचाव करें, नए साल के जो आगमन है वो अच्छे से रहे, लोग ध्यान दें, जैसे कि कोविड-19 का पालन अवश्य करें, और ताकि अपना देश एक अच्छे से इस साल बेहतरीन तरीके से मन सके, और इस लक्ष्य हम लोगों ने एक साइन आर्ट किया है। आज हम सभी ने मिलकर, हमारे सारे विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, सारे हमारे सीनियर्स हैं, कुछ हमारे बैच के भी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर 9 घंटे में, ये हम लोग सुबह से आए हुए हैं, 9 घंटे में मिलकर हम लोगों ने साइन आर्ट तैयार किया हुआ है, और बगल में हम लोगों ने पृथ्वी बनाई है और उसमें ओमिक्रॉन का संक्रमण दिखाया हुआ है कि जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। चाइना में उसने बहुत बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुका है और इस समय भारत की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगने का पूरा तरीका हो सकता है पूरे, मतलब इसलिए हमें नया ईयर जो हम लोग का आ रहा है 2023, उसे बहुत ही समझ के साथ मनाना है, और जितना भी मास्क वगैरह हम लोग सारे लगाने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बहुत ही तरीके से हमें मनाना है। और जो अभी कुंभ में पूरा हम लोग का मेला लगने वाला है, वहाँ पर काफ़ी तरीके से और आपको पूरी सावधानी से काम करना है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर जो अर्थ बनाया हुआ है उसमें हम लोगों ने ओमिक्रॉन का वो दिखाया गया है इस तरीके से, और ये जो हैप्पी न्यू ईयर हम लोग का आ रहा है संगम के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे जय त्रिवेणी जय प्रयागराज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हमेशा यहाँ पे आरती होती है, हमारा ये घाट है वो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ बनाया है। आगे जा रहे थे, ठीक है।